नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजिर अनुचिंता कौन कले घरे धनर अभाव रहिबो नाही। माता लक्ष्मी घर को आसीबे। नंबर एक, जदि कौनसी कार्य रे घर बाहरे जिबा परे हटात मन पड़े घरे कौनसी जिनिस भूली जाइछंत तेबे खराब समय टळि जिबार संकेत मिलिथाय। नंबर दुई, रास्तारे जिबा समय रे जदि निज डाहाण पटरे कुकुर मांकड़ किंबा साप देखती तेबे शुभ होइथाय एवं धन प्राप्ति पर संकेत मिलिथाय। नंबर तीन, शुक्ल पक्ष प्रथम बुधवार दिन ओस्त गछरे धला पताका बांधिबा द्वारा शुभ हेबा सहित अचानक धन प्राप्ति होइथाय एवं व्यवसाय रे उन्नति होइथाय। नंबर चार, जदि घरे आर्थिक समस्या देखा देथाय तेबे कौनसी मंदिर पाखरे दुईटी कदळी गछ लगाइबा द्वारा शुभ हेबा सहित आर्थिक समस्या मध्य दूर होइथाय। नंबर पांच, अमावास्या दिन विष्णु मंदिर रे हळदिया पताका बांधिबा द्वारा शुभ हेबा सहित सौभाग्य प्राप्ति होइथाय। नंबर छ, ठाकुर घरे माता लक्ष्मीक सम्मुखरे नौटी बत्ती थिबा घिओ दीप जळाइबा द्वारा मंगलकारी हेबा सहित अचानक धन प्राप्ति होइथाय। नंबर सात, गोटिए नड़िया रे सिंदूर लगे हळदिया सूता बांधिबा परे अक्षत अर्पण करिबा परे हनुमान मंदिर रे अर्पण करिबा द्वारा धन प्राप्ति होइथाय। नंबर आठ, ओस्त गछ मूल रे तेलर दीप प्रज्वलन करिबा सहित पछको न अनाइ आसिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय एवं धन लाभ होइथाय। नंबर नौ, बुधवार दिन गोटिए हांडी रे देढ़ किलो मुग एवं अन्य गोटे हांडी रे देढ़ किलो समुद्र लुण घरे रखिबा द्वारा घर को धनर आगमन होइथाय। नंबर दस, शुक्रवार दिन नौ वर्षर कम पांच जन कन्या मानंकु खीरी खुआइबा द्वारा मंगलकारी हेबा सहित आर्थिक संकट दूर होइथाय। नंबर एगार, घर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे आठटी सुनेली रंगर माछ एवं गोटिए कला रंगर माछ थिबा एक्वेरियम रखिबा द्वारा शुभ होइथाय एवं घर को धनर आगमन होइथाय। नंबर बार, सप्ताह को थरे समुद्र लुण को पानी रे पकाई घर पोछा लगाइबा द्वारा अशुभत्व दूर होइथाय एवं घरे कली झगड़ा दूर होबा सहित आर्थिक समस्या दूर होइथाय। नंबर तेर, प्रत्येक शुक्रवार दिन घरे श्री सूतक अथवा लक्ष्मी सूतक को पाठ करिबा द्वारा अत्यंत शुभ होइथाय एवं माता लक्ष्मीक कृपा लाभ होइथाय। नंबर चौदह, प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार दिन ओस्त गछ मूलरे जल अर्पण करिबा सहित दीप प्रज्वलन करिबा द्वारा घरे केबे भी आर्थिक समस्या देखा दे नथाय। नंबर पंदर, प्रत्येक अमावास्या दिन घर सफा करिबा सहित अदरकारी जिनिस बाहरे पकाई देबा द्वारा शुभ होइथाय एवं आर्थिक समस्या दूर हेबारे सहाय्य करिथाय। नंबर षोल, शुक्रवार दिन माता लक्ष्मीक मंदिर रे झाड़ू दान करिबा सहित कनक धारा स्रोत पाठ करिबा द्वारा मंगलकारी हेबा सहित आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीथाय। नंबर सतर, छटी शनिवार दिन श्मशान पाखरे थिबा कुओ किंबा जलाशयरु पाणि आणि ओस्त गछ मूलरे अर्पण करिबा द्वारा करज दूर होइथाय एवं आर्थिक स्थिति रे उन्नति होइथाय।
नंबर 18 अमावस्या दिन शारीरिक विकलांग लोक मान भोजन कराइबा द्वारा किंवा अन्नदान करिबा द्वारा मंगलकारी हेबा सहित आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाय। नंबर 19 शुक्रवार दिन शंखरे जल भर्ति करि माता लक्ष्मी को जल अभिषेक करिबा द्वारा कल्याणकारी होइथाय एवं आर्थिक समस्या रे उपाय प्राप्ति होइथाय। नंबर 20 घर रो दक्षिण पूर्व कोण अर्थात अग्नि कोण रे केबे भी टंका पैसा इत्यादि रखिबा उचित नहि, एहा द्वारा आर्थिक स्थिति खराब हेबार संभावना वृद्धि पाइथाय। नंबर 21 घरे झाड़ू सबु बेले लुचाई करी रखिबा उचित एवं झाड़ू को केबे भी ठाकुर किंबा पैसा रखुथिबा स्थान रे रखिबा अनुचित, एहा अशुभ होइथाय। नंबर 22 घरे किंबा व्यवसाय स्थल रे पैसा रखुथिबा स्थान केबे भी खाली रखिबा उचित नहि, श्री यंत्र किंबा कुबेर यंत्र रखिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय। नंबर 23 जदि रास्ता रे जाउथिबा समय रे पैसा पड़ी जिबार मिले तेबे ताकु धोई पूजा हेउथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय एवं माता लक्ष्मी को कृपा लाभ होइथाय। नंबर 24 घरर पूर्व दिगरे पक्षी मानक गाधोइबा पाई जल रखिबा द्वारा शुभ होइथाय एवं परिवार सदस्यंकर रोजगार स्रोत खोली जाए। नंबर 25 गुरुवार दिन तुलसी गच्छ मूलरे क्षीर अर्पण कले मंगलकारी होइथाय एवं आर्थिक समस्या दूर होइथाय। नंबर 26 जदि कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य रे जीवा समय रे गाई किंबा नड़िया देखती तेबे शुभ होइथाय एवं सफलता मिलिबार संकेत होइथाय। नंबर 27 सकाळ उठिला परे जदि पूजा होइथिबा नड़िया देखती तेबे शुभ होइथाय एवं माता लक्ष्मी को कृपा प्राप्त हेबार संकेत मिलिथाय। नंबर 28 जदि कौनसी दिन घर सम्मुखरे अरख गच्छ मन को उठे तेबे शुभ होइथाय एवं भल समय आगमन हेबार संकेत मिलिथाय। नंबर 29 जदि कौनसी दिन निजर आखपाखरे रंग बेरंग प्रजापति देखती तेबे शुभ होइथाय एवं जीवन रे खुशी प्राप्ति हेबार संकेत मिलिथाय। नंबर 30 प्लास्टिक बोतल रे किंबा लुहा एवं आलुमिनियम बोतल रे केबे भी गंगा जल रखिबा उचित नुहे, एहा करिबा द्वारा घरे अशांति प्राप्ति होइथाय। केवल तंबा पात्र रे गंगा जल रखिबा द्वारा शुभ फल मिलिथाय। नंबर 31 प्रत्येक गुरुवार दिन माटीर नुआ कलसी जल भर्ती करी हलदिया कपड़ा गुड़ाइबा परे घरे टांगीबा द्वारा शुभ हेबा सहित धन संपत्ति वृद्धि होइथाय। नंबर 32 निज रोजगार रो 10% भागरे गरीब लोकंकु भोजन कराइले कन्यामानंकु भोजन एवं वस्त्र दान कले मंदिर किंबा धर्मस्थान तैयारी पाई खर्च करिबा द्वारा रोजगार 10 गुण वृद्धि पाइथाय। नंबर 33 जदि रोजगार ठारु कम खर्च अधिक किंबा संचय होई पारु नथाय किंबा कम खर्च होइ जाय तेबे घरे चा करुथिबा समय रे खीर गरम करुथिबा समय रे ध्यान रखिबा उचित जेपरी चा किंबा खीर उतुरी तले न पड़े। नंबर 34 घरर उत्तर पश्चिम कोण रे अर्थात वायव्य कोण रे माटी पात्र रे चांदीर किछि मुद्रा को लाल
ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 35 ଜଳରେ ଚିନି ଘିଅ ଏବଂ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ଛାଇରେ ଠିଆ ହୋଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 36 ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଘରେ ଧନହାନି ହେଉଥାଏ ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅଭୀର ଉପରେ ଦୋମୁଖୀ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନହାନି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 37 କଳା ଖସାକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପକାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ହେଉଥିବା ଧନହାନି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 38 ଘରେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରାଟିଏ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶୋଇବା ଘରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ସହିତ କୁକୁରକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 39 ଯଦି ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ରଖି ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ଘଣା ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଜଳାଇବା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରତୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନିଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ।